खास खबर क्यों? मुस्लिम महिलाओं की सरेआम गोली लगाने वाले गुल्ली बाई ऐप के आरोपी को मुंबई की सत्र अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि मामले में जांच की जानी चाहिए और इस स्तर पर आरोपी विशाल झा की भूमिका को बाकी आरोपियों से अलग नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश संजय श्री घरत ने कहा, अपराध के अनिर्धारित पहलुओं की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता, इसलिए इसकी जांच जारी होने पर जमानत पर रिहा करने के लिए आरोपी की याचिका को अनुमति नहीं दी जा सकती है। मुंबई गुल्ली बाई ऐप के सामने आने के बाद 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र विशाल झा को बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया था और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके तुरंत बाद वह जमानत के लिए कोर्ट चला गया, जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद विशाल झा ने जमानत के लिए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद सत्र न्यायालय ने भी विशाल झा की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस दौरान न्यायाधीश ने कहा कि गुल्लीबाई ऐप विकसित करने के आरोपी नीरज बिश्नोई ने विशाल झा सहित मामले के अन्य आरोपियों की मदद से ऐसा किया था। उक्त ऐप का उपयोग मुस्लिम महिला की वर्चुअल खरीद और बिक्री के लिए किया जाता है। न्यायाधीश ने कहा कि गुल्लीबाई ऐप मानहानि का कारण बना, विशेष समुदाय के कट न्यायाधीश ने कहा कि गुल्लीबाई ऐप मानहानि का कारण बना, विशेष समुदाय की भावनाओं और महिला की गरिमा को आहत किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में आगे की जांच की जरूरत है, जो अभी शुरुआती चरण में। वहीं विशाल झा की ओर से पेश अधिवक्ता शिवम देशमुख ने कहा था कि विशाल झा को मामले में झूठा फंसाया गया। विशाल झा के वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि विशाल झा के कथित ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल शिकायतकर्ता या किसी अन्य महिला की छवि खराब करने के लिए किया गया था। एजेंसी के पास पहले से ही उसका लैपटॉप, मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त है, जिनसे छेड़छाड़ संभव नहीं है। वहीं लोक अभियोजन कल्पना हीरे ने कहा कि विशाल झा के 6 ट्विटर, 2 इंस्टाग्राम, 1 यूट्यूब और 6 जीमेल अकाउंट है और इसकी गहन जांच की आवश्यकता होगी। GitHub प्लेटफॉर्म पर उनके खाते की भी जांच की आवश्यकता थी और विशाल झा ट्विटर समूह हाई आईक्यू ब्रू और ट्रेड महासभा के सदस्य, जहां गुल्लीबाई ऐप का लिंक साझा किया गया था। तो यदि आज की खास खबर, इस तरह खबर जुड़े रहने के लिए बने रहे चैनल इसके साथ।